है और मैं अजमल अजमल साथ काम करता हूँ एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर। मेरा एक अपना इनिशिएटिव है सफ़रनामा के नाम से, जिसमें हमें ज़्यादातर जो मार्जिनलाइज एरिया हैं वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करवाता हूँ करियर काउंसलिंग की, और साथ साथ एक और इदारे साथ में काम करता हूँ जिसका नाम है परिंदे, जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करता है और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पे काम करता है, उनके स्ट्रेस रिलीफ पे काम करता है। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि वो उनको बहुत हेल्प होगी इससे, और ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नाइन्थ में है, जो मैट्रिक में है, जो कि अपने आप का कहीं गोल नहीं देख पा रहे होते, अपना विजन नहीं देख पा रहे होते, कहीं अपना करियर नहीं देख पा रहे होते, ये उनके लिए वीडियोज़ हैं जो करियर को देखने कहीं ना कहीं। जी, नालायक, डफर, कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम किसी काम के नहीं हो, ये कोई मार्क्स लाने वाले, ये वो जुमले हैं जो आपको हर घर में मिलेंगे, चाहे वो बच्चा 90% वाला हो या 60% वाला हो। अगर वो 90% वाला बच्चा है और वो कुछ काम में थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो हम उसको उसमें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उसमें हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में लेकिन बेचारा सिर्फ मार्क्स नहीं ला पाता आपके मुताबिक, तो आप उसको गधा, डफर, नालायक कहना शुरू कर देते हैं। मैं उन पेरेंट्स से आज मुखातिब हूँ जो कि ये शायद रिफ्लेक्ट करें वो कि ये अल्फाज वो अपनी ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफ बनाया है। एक रिसर्च बताते कि इस दुनिया में जो अभी तक इंसान ढूंढ सकें वो कुछ 18,000 मखलूकात हैं जो इंसान ढूंढ सकें, बेशक इससे ज़्यादा होंगी, लेकिन उसमें अगर आप 18,000 में भी आप अशरफ हैं तो उसका कोई रीज़न होगा, तो आप डफर नहीं हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए, आप नालायक नहीं हैं, इस बात को मान लीजिए। अब चलते हैं हम करियर काउंसलिंग की तरफ। करियर काउंसलिंग पे आने से पहले मैं आपको एक बंदे से मुतारिफ कराना चाहूंगा, इसका नाम है हॉवर्ड गार्डनर। इस बंदे ने रिसर्च की और इसने पता किया, इसने मतलब रिसर्च में इसने बताया कि हम जो अक्सर समझ रहे होते हैं कि आप अगर 80% नहीं लाए, आप 90% नहीं लाए तो आप नालायक हैं, अगर आप ग्रेड अच्छे नहीं ला सके, आप जबकि जीपी अच्छी नहीं तो आप नालायक हैं, तो इसने हमें ये बताया कि इंसान में, इंसान के इस दिमाग में कोई एक अकल नहीं है, इसमें 9 अकलियात हैं, 9 इंटेलिजेंस एक इंसान के दिमाग में होती है, दिमाग में होती है। अब वो किसी इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा होता है और किसी इंटेलिजेंस में वो कम होता है। वो 9 इंटेलिजेंस क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। नंबर 1, इसमें जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है वो कोई असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, आप इसको नंबर 1 किसी चीज़ को भी रख सकते हैं, सही है। सो 1 इज म्यूजिक। कुछ लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा उन लोगों को जो कि म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिदम बना रहे होते हैं, चाहे वो टेबल पे भी होंगे, उन लोगों को देखा होगा आपने जो खाने की टेबल बैठे हुए और रिदम बना रहे, सही है। म्यूजिक एक अकल होती है, दूसरी होती है बॉडी काइनेस्थेटिक। कुछ लोगों को देखा होगा जो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते अपनी चेयर पे, टेबल पे अगर वो बैठेंगे कहीं जगह तो बस वो उठने ही करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं फिजिकल वर्क में, ठीक है, बॉडी काइनेस्थेटिक दूसरी चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम एक पिक्चर शेयर कर देंगे आपके पास, जिसमें ये पूरी 9 इंटेलिजेंस की होगी, और आप हॉवर्ड गार्डनर अगर सर्च करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर तो आपके पास गूगल में भी आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तीसरी होती है इंटरपर्सनल। आपने वो लोग देखे जो बहुत अच्छे से ताल्लुकात बना लेते हैं, जो जहां भी जाएंगे उनका कोई ना कोई जानने वाला निकल आएगा, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो रेलवे में जाएंगे तो उनके 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 जानने वाले बहुत होते हैं, उनकी जुगाड़े बहुत होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों से नेटवर्क बनाते हैं, और आपने सुना होगा कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसके शायद मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको, अगर आपको कोई चीज में हेल्प चाहिए, किसी बंदे का रेफरेंस चाहिए, तो ये वो बंदा है जहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि यार इतने लोगों की जान पहचान होती है, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। चौथा होता है नेचुरलिस्ट। इनको माहौल से बड़ा प्यार होता है, इनको एनवायरनमेंट से बड़ा प्यार होता है,
ये खुश होते हैं एनवायरनमेंट में, पार्क में, गार्डनिंग करने में, या अच्छी आबोहवा में, या माउंटेन्स वगैरह जाने में, पहाड़ वगैरह पे हाइकिंग वगैरह में, ये नेचुरलिस्ट होते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये अगर नेचुरलिस्ट है तो ये अकल से क्या ताल्लुक है? हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि ये सारी चीज़ें में अकल में क्या कैसे काम आती हैं और किस तरीके से ये अकल से बहुत लिंक है। नेचुरलिस्ट के बाद आता है इंटरपर्सनल। हमारे पास जगह कम हो गई है तो हम इसको वीडियो, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इसको एक पिक्चर में डाल देंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब होता है कि एक बंदा जो कि खुद गौर फिक्र करे चीज़ों पे, जो अपने आप साथ रहना टाइम स्पेंड करना पसंद करे, जो खुद रहता है अपने साथ, ये वो बंदा होता है जो अपने साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। यकीनन आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मेहमान आते हैं तब भी अपने कमरे में बंद रहते हैं, ठीक है, या ज़्यादा मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता, तो ये वो लोग होते हैं इंट्रापर्सनल। पाँच हो गए, छः होते हैं लॉजिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में रैशनल तलाश करते हैं, जो हर चीज़ में लॉजिक तलाश कर रहे होते हैं, इनको लॉजिक्स चाहिए होती हैं, ये वो लोग हैं। सातवां आपका आता है एग्जिस्टेंशियल। जो के लाइफ स्मार्ट होते हैं। आठवां आपका आता है स्पेशल, विजुअल स्पेशल। आपने वो लोग देखे जो के एक दफा किसी रास्ते पे जाएं और कभी वो रास्ता नहीं भूलते, ये वो लोग होते हैं। इनको चीजें याद हो जाती हैं, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है विजुअल्स को लेके। ये अगर नंबर प्लेट देख लेते तो इनको पढ़ने में आ जाते क्योंकि विजुअल्स देखे होते हैं, ठीक है। हमने सब चीजें कर ली, हमारा एक रहता है वो है लिंग्विस्टिक। हाँ, ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, जो कि वर्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो नौ तरह की अख्लियात होती हैं, मैं आपको जरा दोबारा बता दूं। नंबर वन, अगर मैं यहां से शुरू करूं, सो लिंग्विस्टिक। नंबर टू इंटरपर्सनल। नंबर थ्री इज म्यूजिक। नंबर फोर इज लॉजिकल। नंबर फाइव इज बॉडी काइनेस्थेटिक। नंबर सिक्स इज इंटरपर्सनल। नंबर सेवन इज नेचुरलिस्ट। नंबर एट एग्जिस्टेंशियल। एंड नंबर नाइन इज विजुअल स्पेशल। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में और हम बताएंगे कि ये नौ अक्लियात आपको करियर में कैसे हेल्प कर सकती हैं और ये पेरेंट्स के लिए वीडियो कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगली